रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हम बनाने जा रहे हैं जी कोजेक्ट और लैम्ब, जिसको बोलते हैं माड़ू और गोश्त। गोश्त जो लिया वो गर्दन का लिया है, तो बनाते हैं जी, देखते हैं इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं और कैसे बनता है। और चले जी, सबसे पहले आग जला लेंगे चूल्हे के नीचे, कढ़ाई रखेंगे जी ऊपर देश की। इसके अंदर डालेंगे जी पानी, फिर डालेंगे जी लैम, और लोहे की अगर देश की हो तो उसके अंदर लकड़ी का चमचा ला इस्तेमाल करें। पानी थोड़ा है, पानी और डाल लेंगे, पानी और डाल लेंगे जी। अभी जी इसमें डालेंगे दो टमाटर डालेंगे मीडियम साइज के, और इसके अंदर अब डालेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट और अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो डालेंगे करीबन आधा चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे और प्याज जो है वो यहाँ पे हमारे मिलता है ऑलरेडी कटा हुआ, तो प्याज डालेंगे करीबन करीबन ढाई प्याज डालेंगे। हाँ जी, डेढ़ चम्मच डालेंगे जी सुरख मिर्चों की, जो चाय वाली चम्मच होती है, और एक चम्मच डालेंगे पीसा हुआ धनिया, और जी आधा चम्मच डालेंगे हल्दी का। और जो नमक है वो अपने मुताबिक आप डाल सकते हैं। तकरीबन मैंने तो एक चम्मच डाली है बस। ये जी ये चार चीज़ें डाल के चार मसाले डालते हैं, नमक मिर्च हल्दी पिसा हुआ धनिया। हाँ जी, तो ये डाल के इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक इसके अंदर उबाल आ जाए। सारा कुछ डाल दिया क्योंकि, तो अब इसके ऊपर ढकना दे देंगे जब तक इसको उबाल नहीं आ जाता। ढकना उठा के देखेंगे जी। हाँ जी, उबाल आने लग गया, इसके अंदर डोई फेरेंगे, इसको हला लेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, अब जो है ना आग थोड़ी मीडियम फ्लेम पे ले आएंगे जी। गाइस, आग जो है वो मीडियम फ्लेम पे कर दिया, उतनी देर हम इसको पील कर लेते हैं, तो चले इसको छीलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये इनको छील लिया, अब हम इनको गोल गोल काटेंगे, तो चले काटते हैं।
कोशिश करें जितना बारीक हो सकता है उतना काटें, उतनी जल्दी ये गल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोजेक जो है वो काट लिए हैं, माड़ू जिसको बोलते हैं, ये काट के रख लिया। अभी हम इंतज़ार करेंगे जी ये गोश्त का, लैम का सॉफ्ट होने का। अभी भी पानी है, आप देख सकते हैं, तो इसको अभी भी ढकना दे के ऊपर बंद कर देते हैं, तो जब पानी खुश होगा उसके बाद देखते हैं जी। ढकना उठा के देखेंगे पानी कम हुआ कि नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जी पानी कम हो गया, थोड़ा सा रह गया, इसको भी थोड़ा कम होने देंगे, फिर डालेंगे कुकिंग ऑयल जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी पानी थोड़ा जो है थोड़ा रह गया, तो अब इसके अंदर डालेंगे जी कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल डालते हैं जी इसके अंदर। कुकिंग ऑयल डाल दिया जी, अब इसको 5-10 मिनट इसको भूनेंगे आग ऊंची करके। अल्हम्दुलिल्लाह जी गोश्त जो है वो भून लिया इसको, तो अब जो है जी ये प्रोजेक्ट ये डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह ये डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और सबसे पहले जो है आग जो है वो दम वाली आग कर देंगे, बिल्कुल लो हीट पे इसको रख देंगे। लो हीट पे जो है ये खुद ही पानी छोड़ता है, तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, तो इसको अच्छी तरह से हिला के और आपने इसको दम वाली आग पे छोड़ के ऊपर ढकना दे देना है। देख सकते हैं आप पानी को जख ने काफ़ी छोड़ दिया, तो इसको आग ऊंची करेंगे, तो इसको ऊंची आग में आप पकाएंगे जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी जी सालन तैयार हो गया जी, आप देख सकते हैं जी गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना तैयार हो गया है, तो आज का ब्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।